तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्यू एन ए वीडियो है। जो भी बच्चे मेरे से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे थे एचएसपीटी के एग्जामिनेशन, पीसी रिगार्डिंग, रिजल्ट रिगार्डिंग या अदर कोई सा क्वेश्चन है, तो मैं इस वीडियो के अंदर इन सारों क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कॉमन क्वेश्चन है उनको जवाब देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्वेश्चन मुझसे पूछे होंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आपका 100% इस वीडियो के अंदर रिप्लाई देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के लास्ट में एचएसबीटी के एग्जाम के रिगार्डिंग में अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन भी रखूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट में देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिलीप का। दिलीप कुमार यादव पूछे हैं, सर सप्ली का पीसीए फॉर्म चार्ज बहुत ज़्यादा कर दिया एचएसबीटी ने। तो मैं दिलीप जी बता दूँ कि सप्ली का चार्ज ये अप्रॉक्स एक साल से बढ़ गया है। पहले कम था, लेकिन अब सप्ली का चार्ज, रीचेकिंग का चार्ज सारा एचएसबीटी बोर्ड ने बढ़ा रखा है। तो इनका आप सॉल्यूशन एचएसबीटी बोर्ड से ही ले सकते हो, नहीं तो जो चार्ज एचएसबीटी बोर्ड ने रखा है उसको आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है अकरम खान का। इन्होंने पूछा है कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए, जुलाई में ही एग्ज़ाम होने चाहिए। अकरम जी, बिल्कुल मैं भी आपके साथ ही हूँ 100% कि पेपर हमारे जो है वह जुलाई मंथ में ही होने चाहिए कंडक्ट। आपका पेपर गाइज अगस्त या सितंबर में नहीं होने चाहिए। मैं जुलाई मंथ में पेपर कंडक्ट करवाने के लिए 100% हूँ सेटिस्फाई, और पेपर ऑनलाइन मोड में ही होने चाहिए। पेपर ना पोस्टपोन्ड ना कैंसिल होने चाहिए। मैं इन दोनों पॉइंट पे लास्ट में वीडियो के बात करूँगा, तो वीडियो को मैं आप बने रहना। तो पेपर जुलाई में ही होने चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ, और पेपर ऑनलाइन मोड में ही होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस एग्री का। इनका बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इनका क्वेश्चन है कि सर, जब कैंसिल का चांसेस है तो ऑनलाइन क्यों, मेरे अभी तक ये समझ नहीं आया। तो सक्सेस जी, मैं बता दूं कि अगर आप एक पल को सोचो, अगर आपको एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, जो बच्चे रेगुलर के हैं, आप अगर रेगुलर के बच्चे हों तो आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके जो री वाले भाई हैं या कोई और आप मर्सी चांस वाले भाई हैं, जो बच्चे सिक्स सेमेस्टर में, उनके फिफ्थ या फोर्थ में एक री है, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर ऑनलाइन मोड में हो, ताकि सबका सही रहे, ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभय रावत ने, भाई कैंसिल में ओनली तुम जैसे ही पास होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने इनका जवाब दे दिया हूँ कि जब पेपर कैंसिल होता है तो ओनली रेगुलर सेमेस्टर का ही जो बच्चे हैं प्रमोट किए जाते हैं। जो बच्चे री वाले हैं या मर्सी चांस वाले हैं या अदर किसी का बैक है पिछले सेमेस्टर में, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। तो सक्सेस जी, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेपर ऑनलाइन ही होगा तो बेटर रहेगा। आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आया है, तो मैंने कुछ का जवाब भी दिया था। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि ऑनलाइन पेपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि री वाला, मर्सी चांस वाले या कोई बच्चे सिक्स सेमेस्टर में, उनके एक दो सप्ली है वो भी क्लियर हो जाएंगे पेपर होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास मलिक का। इन्होंने कहा कि डी फार्मेसी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो मैं बता दूं कि विकास जी, हम लोग लगे हुए हैं, ट्विटर अभी चल रहा है, जो PIL का प्रोसेस है, 10 या 12 जून को PIL भी डल जाएगा। तो हम लोग अभी तक लगे हुए हैं ऑनलाइन के लिए, और ऑफिशियली नोटिस का वेट कर रहे हैं HSPT वेबसाइट पे। तो जैसे ही नोटिस आता है या PIL डलता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, चांसेस आप ऑनलाइन ही लेकर चलो, 100% नहीं, लेकिन चांसेस ऑनलाइन का ही है, चांसेस है, 100% श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। तो मैं बता दूँ कि अगर आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं तो उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटली ऑब्जेक्टिव। अगर आपके पेपर ऑफलाइन होते हैं तो जैसे बोर्ड ने नोटिस निकाल रखा है, मैंने भी प्रीवियस वीडियो बना रखा है, उस हिसाब से आपके पेपर लिए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चे का मेरे पास आया था, और एक दो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था, मैं उनके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर, कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम अगर कैंसिल करवा देती है, जैसे कि पीछे सक्सेस जिन्हें क्वेश्चन मेरे से पूछा था, अगर बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर देती है तो री वाले बच्चे क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे का मेरे पास क्वेरी भी आया था टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, कि सर आप चाहो कि बोर्ड का पेपर ऑनलाइन मोड में हो। तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि आपके पेपर बोर्ड ऑनलाइन हो, ना प्रमोट हो ना कैंसिल हो। अगर आपको प्रमोट किया जाता है दोस्तों, तो आप समझो मेरी बात को, जो आपके री वाले भाई हैं या आपके रेगुलर वाले दोस्त होंगे जिनके एक दो सप्ली होंगे, उनका क्या होगा। डिप्लोमा 2 साल का, 3 साल का जगह 4 साल, 5 साल भी चले जा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी साथ में साफ रहें, साथ दें, ठीक है। ऑनलाइन ही पेपर बेटर है। अगर आपको पेपर को पोस्टपोन किया जाता है, तो आप समझ लेना कि आपका पेपर अगस्त से सितंबर में लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो आप बोर्ड को बोलो कि आपका पेपर ना पोस्टपोन हो, ना आपको प्रमोट
प्रमोट किया जाए, आपके पेपर ऑनलाइन मोड में ही हो, ताकि सारे दोस्तों का सारे भाइयों का भला होगा, ठीक है। तो यही न्यूज़ था। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्विटर चलते रहना, तो ट्विटर रोको मत, बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए, उम्मीद छोड़ दिए, नहीं, ट्विटर को कंटिन्यू चलाओ, ट्विटर रोकना नहीं है। PIL का प्रोसेस मैं बता दूँ कि 10 या 12 जून को PIL डल जाएगा, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो मैं हम लोग अभी वेट कर रहे हैं ऑफिशियली HSBT के नोटिफिकेशन को लेकर, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट करूँगा, नहीं तो PIL डलना 100% कन्फर्म है। तो आप वेट करो और घर पर रह के स्टडी करो, स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी दो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप 10 मिनट 15 मिनट दिन में निकाल के आप YouTube चला सकते हो, ट्विटर चला सकते हो, तो आपका मेन प्रायोरिटी है घर पे रह के पढ़ाई करना। आप स्टडी करते रहो, कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।